आज एक ऐसा दिन है, आज के ही दिन हमारे भारत देश के ऐसे महानतम महापुरुष जिन्होंने अंग्रेजों के पहले ही भारत को आजाद घोषित कर दिया था, ऐसे हमारे भारत देश के वीर सुभाष चंद्र बोस जी का आज जन्म उत्सव है। और सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मोत्सव में उनका एक नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें। लेकिन हमने आज एक नया नारा बनाया है भारत के इतिहास में, तुम मेरा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तुम हमारा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और एक बात हम प्रार्थना करेंगे भारत के लोगों, अब चूड़ियां पहनकर घर में मत बैठो। ये केवल बागेश्वर धाम पर उंगली उठाने की बात नहीं, प्रत्येक सनातनी पर उंगली उठाई है, अब बाहर निकल करके बताना ही पड़ेगा। और इस बात को सुनने के बाद अगर नहीं निकले तो हम तुमको बुजदिल मानेंगे, बुजदिल। उनका नारा बहुत विशाल था। और हमारा भी आज का सूत्र नोट कर लीजिए, सभी लोग अपना अपना मोबाइल निकालिए, निकालिए और ये नारा भेजिएगा सबका। मेरे भारत के लोगों, आज रायपुर की इस धरती से हम ललकार कर कहते हैं, इस भारत में ऐसा कोई नहीं जिसके ऊपर उंगली ना उठी हो, चाहे वो मीराबाई हो, चाहे रैदास हो, या कबीर हो, या गोस्वामी तुलसीदास हो, उन सबको कसौटी पर खड़ा उतरना पड़ा। यहां तक कि भगवान ब्रह्म है, उनको भी कसौटी पर खड़ा उतरना पड़ा। लेकिन आज इस प्यास पीठ से हम शपथ खा करके तुमसे कहते हैं, लोग हमसे पूछते थे, बड़े बड़े बुद्धिमान, गुरु जी चमत्कार क्या है, ये तुम चमत्कार की क्या बात करते हो। पहला चमत्कार तो यही है कि पूरा भारत का हिंदू एक हो गया। और दूसरा चमत्कार जिनको देखना हो कभी दरबार में आ जाना, वेलकम टू यू। और तीसरा, हमारी प्रार्थना को बेकार मत जाने देना, अगर तुम्हारे अंदर एक बूंद भी सनातनीय हिंदू का हो तो तुम मेरा साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र दूंगा। ना तो मुझे कोई राजनेता बनना है मेरे पागलो, ना हमारी कोई पार्टी होनी है, ऐसा कभी विचार मत करना कि अब गुरु जी पार्टी में जाएंगे या नेता बनेंगे या किसी पार्टी का सपोर्ट करेंगे। ना हमें पार्टी में जाना है, हम तो सिर्फ अपने सनातनियों को एक करने की बात करेंगे। और अगर ये बवाल है, अगर ये विवाद है, तो बना रहने देंगे पीछे। अब इस बात को सुनकर के भी अगर तुम मेरे पागलों अपने घर से बाहर नहीं निकले, अपनी जबान नहीं खोली, भारत के प्रत्येक संत हमारे साथ है, ये हमारा सौभाग्य है। कोई ऐसा साधु नहीं जो हमारे साथ ना हो। और हम सब साधुओं से प्रार्थना करेंगे, 13 अकारों से प्रार्थना करेंगे। अब छुप कर बैठने की बात नहीं है, बागेश्वर धाम तो एक बहाना था, असलियत में इन धर्म विरोधियों को सनातन को निशाना बनाना था, लेकिन बालाजी ने ऐसा मुंह पर तमाचा मारा कि इनको भी होश ठिकाने लगा।